लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज नई मुंबई के मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और कोरोना उपचार इंतजामों के साथ ही मानसून पूर्व कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। पूर्व मंत्री के साथ पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व मेयर जयवंत सुतार, सुधाकर सोनौने, बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, वरिष्ठ नेता दशरथ भगत समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। लोक नेता गणेश नाइक ने पदाधिकारियों से मिली शिकायतों पर भी आयुक्त से चर्चा की। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावित होने वाले बच्चों के लिए पेडियाट्रिक कोविड सेंटर शीघ्र बनाने और ऑक्सीजन प्लांट को तत्काल क्रियान्वित करने पर भी जोर दिया। पूर्व मंत्री ने तल्ख लहजे में कहा कि मानसून आ रहा है, दिक्कतें और बढ़ेंगी, इसलिए नई मुंबईकरों की सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी होनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नेता और विधायक गणेश नाइक ने आज नई मुंबई मनपा आयुक्त से मुलाकात की और नई मुंबईकरों के लिए डीआरडीओ द्वारा लॉन्च की गई 2DG कोरोना औषधि उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट को त्वरित क्रियान्वित करने और बच्चों को कोविड की तीसरी लहर से बचाने, पेडियाट्रिक कोविड सेंटर जल्द शुरू करने की भी मांग उठाई। आयुक्त से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने मानसून के दौरान होने वाले जल जमाव को रोकने, नई मुंबई के सभी होल्डिंग पॉइंट्स की तत्काल सफाई कराने पर ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि सारी यंत्रणा कोरोना उपचार इंतजामों में व्यस्त होने से मानसून पूर्व तैयारियां उपेक्षित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि समय पर होल्डिंग पॉइंट्स नहीं क्लीन हुए तो शहर के कई इलाके पानी में डूब सकते हैं। आइए सुनाते हैं विधायक गणेश नाइक ने और क्या कुछ कहा। लास्ट टाइम में 50 लाख रुपया बोला था ऑक्सीजन प्लांट के लिए, अब की बार मैंने 1 करोड़ रुपया मेरे आमदार निधि से दिया है और ऑक्सीजन प्लांट डालने के लिए उनको जल्द से जल्द शुरू करके बोला है। अभी आने वाले दिनों में सादे बेड भी ज़्यादा बनाओ, उसके साथ में ऑक्सीजन के बेड भी दुगुना करो और वेंटिलेटर के बेड भी दुगुना करो, ऐसी मांग की है। साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जो छोटे बच्चों पर ये बीमारी आने वाली है ऐसा शास्त्रज्ञ जिन लोगों ने बताया है, उसकी भी तैयारी करो। ये प्री मानसून के कामों की भी जो भी है तैयारी करके रखो, जिसके जरिए आने वाला जो बारिश का जो कालखंड है ये लोगों को असुविधा न हो जाए, ऐसी मैंने उनको सूचना की है। मैंग्रोवचे बियाणं अशा प्रकारचे भरतीच्यावर येतात आणि ते रुजतात, परंतु ज्या उद्दिष्टाकरता होल्डिंग पॉइंट काढलेलं आहे हे जर माननीय न्यायालयाला किंवा MCZMA पटवून दिलं तर त्या ठिकाणचा तो साठलेला गाल काढण्याला कोणी मनाई केली नसती। दुर्दैवाने त्याचा भाऊ केला गेला। डॉक्टर नाथ यांनी गेल्या डिसेंबर महिन्यामध्ये हा प्रश्न मांडला, कारण गेल्या पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ते पाणी साठलं गेलं आणि त्या ठिकाणी लोकांच्या दुकानदारांचे नुकसान झालं, लोकांच्या घरातमध्ये नुकसान झालं आणि गेली जवळजवळ म्हणजे डिसेंबरपासून आता 6 महिन्याचा कालखंड झाला। कोर्ट कचऱ्यामध्ये MCZMA गांभीर्याने महापालिकेचे अधिकारी न गेल्यामुळे त्या ठिकाणी अजून काम सुरू झालेलं नाही। आता आज डॉक्टर नाथांनी अतिशय प्रकर्षाने त्याला ती म्हणजे बाजू मांडली आणि आता तिकडचं गाल काढण्याचं त्यांनी ठरवलेलं आहे, औषध काढलेलं आहे जे ग्लुकोज पावडरच्या स्वरूपामध्ये आहे। त्यामध्ये DRDOच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की पतंजलीच्या लोकांनी तो त्याचा सहभाग घेतलेला आहे, म्हणजे एकूण आयुर्वेदाचा त्याच्यामध्ये समावेश आहे आणि ते पूरक ठरणार आहे आणि म्हणून तशा प्रकारची औषधं मागवून ठेवा अशा प्रकारची सूचना आम्ही आयुक्तांना केलेली आहे। आता तिसरी लाट ही 0 वयापासून साधारणपणे 20 वर्षापर्यंतच्या म्हणजे तरुणांना आणि लहान मुलांना होण्याची शक्यता हे लक्षात घेता एकूण लसीकरण ॲडव्हान्समध्ये करावं अशा प्रकारची भूमिका मांडलेली आहे।
गौरतलब है कि जब से कोरोना की महामारी और लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से गणेश नाइक लगातार मनपा प्रशासन को जगाने और जरूरी इंतजाम कराने में जुटे हुए हैं। आज भी विधायक गणेश नाइक ने आयुक्त के समक्ष नागरिकों और बीजेपी पदाधिकारियों से मिली शिकायतों पर भी चर्चा की और उसके समाधान के लिए जल्द से जल्द पहल करने को कहा। मीडिया से बोलते हुए लोक नेता गणेश नाइक ने कहा कि नवम्बई में अभी भी कोरोना उपचार के लिए लोग परेशान हैं, ऐसे में जरूरी इंतजाम तत्काल करने की जरूरत है। उन्होंने दूसरे मुद्दों के भी जल्द समाधान की मांग की। महापालिकेचं चुकान बोलू झाडं तोडलीत गाड्यांवर पडली, एक आयुर्वेदचा तरुण त्या ठिकाणी बांबीची जाताना तो खांब फट त्याच्या अंगावर पडला, त्याचा मृत्यू झाला, त्याला नुकसान भरपाई दिली पाहिजे, तुझ्या कुटुंबाची एकूण जबाबदारी महापालिकेने घेतली पाहिजे आणि ज्या ज्या ठिकाणी राज्य शासनाच्या वतीनं तहसीलदार त्या ठिकाणी पंचनामे करतील त्या नुकसान भरपाई मिळेल का नाही मिळेल आम्हाला माहीत नाही सध्या, परंतु महानगरपालिकेच्या आपले नागरिक आहेत म्हणून त्यांच्या झोपडपट्ट्या झोपडीवर उडालेली पत्रे त्यांना बदलून द्या, त्यांचे जर उद्याला अन्नधान्याची कपड्याची जर त्या ठिकाणी नासधूस झाली असेल त्यांना त्याचा मोबदला द्या, जेणेकरून त्यांना एकटे पडलं अशा प्रकारचं वातावरण होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका आम्ही सांगितलेली आहे। सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये सिडको कोविड सेंटर हे चांगल्या प्रकारे चालत होतं, परंतु शेवटी जसं पोलीस ट्रेनिंग घेतली जाते आणि नंतर तो ड्युटीवर जातो, एक दोन तीन वर्षानंतर पुन्हा त्याला ट्रेनिंगला पाठवला जातो, कारण तो त्या सगळ्या सिस्टीमशी परत युस्त झालेला असतो या समाजाच्या, परंतु त्याचे एकूण त्याला पुन्हा त्याला तुझे कर्तव्य काय, तुझे एकूण अधिकार काय, त्याची ट्रेनिंग देण्याची गरज, तशाच प्रकारच्या ही यंत्रणा आपण सेट केल्यानंतर ती कशा प्रकारे कार्यान्वित आहे हेही बघण्याची गरज आहे। आणि म्हणून सिडको कोविड सेंटरमध्ये लोकांना त्रास होतो अशा प्रकारच्या लोकांच्या तक्रारी आल्या, त्यामध्ये तिथले टॉयलेट्स, तिथली एकूण अंतरून, त्या ठिकाणी लोकांचं जेवण, या सर्व बाबतीमध्ये दररोज अपडेट, दररोज की कोणीतरी रिस्पॉन्सिबल अधिकाऱ्याने अपडेट घेतले पाहिजे आणि आठवड्याच्या मीटिंगमध्ये माननीय आयुक्तांना ते दिलं पाहिजे, जेणेकरून लोकांना त्या ठिकाणी त्रास होणार नाही। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।